नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिन्हा। के 200 रैलियां पूरे होने पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने जहां केक काट कर इसके बारे में लोगों को जानकारी दी, तो वहीं अब इस पर लगातार तंज कसते हुए राजनीतिक पार्टियों की तरफ से नेताएं नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने तेजस्वी और मुकेश सहनी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक और जहां तेजस्वी यादव से जीतन राम मांझी ने ये तक पूछ लिया कि केक खरीद कर लाए थे या फिर रिश्वत में लिए, तो वहीं जमकर बोलते नजर आ रही। वहीं सोशल मीडिया मंच एक्स पर तेजस्वी और मुकेश सहनी का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद बता दें कि इस पर जीतन राम मांझी ने जान तंज कसा है, तो वहीं अब भी कह दिया कि नौकरी के बदले जमीन लेते हैं, केक भी क्या रिश्वत में लिए हैं। जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा कि नौकरी के लिए तो गरीबों की जमीन लिखवा ली, हेलीकॉप्टर में केक खरीद कर लाया गया था या फिर किसी से रिश्वत में मंगाया गया था। वहीं दूसरी ओर जदयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने भी हमला बोला है और कहा कि एनडीए गठबंधन के साथ है, ये लोग हेलीकॉप्टर में केक काट रहे हैं, कोई भी बयान दे दे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता वोट के जरिए इनको जवाब दे देगी। बता दें कि तेजस्वी और मुकेश सहनी का केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें तेजस्वी मुकेश सहनी से पूछ रहे हैं कि केक काटने का आइडिया कहां से आया, तो इस पर सहनी बता रहे हैं कि विरोधियों को मिर्ची लगे इसलिए यह कर रहे हैं। हमारी दोस्ती से बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में विपक्षी दलों को मिर्ची लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।